नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी में किस चीज़ को डाल देने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। तुलसी पूजन का हमारे घर में, हमारे धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लगभग हर घर में तुलसी की पूजा की जाती है। हम लोग तुलसी में जल भी देते हैं, तुलसी के समक्ष दीपक भी लगाते हैं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वह हमारे घर में सुख शांति लक्ष्मी को स्थापित करने वाला होता है। पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ में तुलसी का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे पूजाओं में, क्या हम लोग प्रसाद में भी तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हैं, या फिर कई सारे शास्त्रों में या कहीं भी हर जगह जो तुलसी का महत्व तो है वो काफ़ी अधिक बताया गया है। इसीलिए तुलसी पूजन काफ़ी खास होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी तुलसी पूजन में, यानी तुलसी में एक ऐसी चीज़ डालने को बताऊँगा जिसे आप डाल देंगे तो उससे क्या है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे तुलसी में हम लोग जल तो चढ़ाते ही हैं, दीपक तो जलाते ही हैं, तो उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ को डाल देना है, जिसे हम करेंगे तो क्या है कि हमारी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हमें बारी बारी से उस कौन से चीज़ को डालना है और किस प्रकार और किस दिन डालना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आज का यह उपाय हमें गुरुवार के दिन करना है, यानी बृहस्पतिवार के दिन हमें इस उपाय को करना है। सुबह जब नहा लें हम और तुलसी में जब जल डालने जाएँ तो उस समय हमें क्या करना है, तो इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक लोटा ले लेना है। जिस लोटे से हम जल देते हैं तो उस लोटे में हमें क्या करना है कि सबसे पहले आधा लोटा जल भरना है, यानी उस लोटे को आधा भर लेना है जल से। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो लोटे का आधा भाग है बचा हुआ, उस भाग को क्या करना है, दूध से भर देना है। यानी कहने का मतलब है कि लोटा लीजिए, उसमें आधा जल और आधा दूध डालकर भर दीजिए। यानी जब लोटा भर जाए तो हमें क्या करना है, उस लोटे को हमें लेकर तुलसी में चढ़ा देना है। किस दिन? गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन जब सुबह हम पूजा करने जाएं तो उस समय क्या करना है, हमें तुलसी का कुंडा है जहां भी, तुलसी में उस लोटे में हमें जल और दूध को मिलाकर उस तुलसी में डाल देना है गुरुवार के दिन। और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या है कि हमारी हर मनोकामना पूरी होगी और हमारे घर में माता लक्ष्मी का भी वास होगा, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह आपके हर मनोकामना को पूरा करने वाला, आपके घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी के वास को स्थापित करने वाला होता है। तो जब भी हम गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर तुलसी को चढ़ाएंगे तो क्या है, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह उपाय आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।